पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर श्री मनोज कुमार सिन्हा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एस कनेस के निर्देश में SDOP राकेश मानसूर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भावगढ़ निरीक्षक गोपाल सूर्यवंशी द्वारा पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 21 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान फतेहगढ़ फोर लाइन पर महू नीमच रोड पर ट्राला पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेते हुए मादक पदार्थ 26 क्विंटल 45 किलो मादक पदार्थ डोडा चोर पाई गई, जिसकी कीमत 1,55,00,000 रुपए है। वही NDPS एक्ट के तहत जारी प्रावधानों का पालन करते हुए विभिन्न धाराओं में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। आपको ये भी बता दें कि आरोपी सोयाबीन के DOC के बोरों के बीच में डोरा चोरा छुपा कर ले जा रहा था। वही थाना प्रभारी भावगढ़ के उपनिरीक्षक बलदेव सिंह चौधरी, चौकी प्रभारी दलोदा, सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह पवां, थाना आरक्षक अजय रावत, प्रधान आरक्षक तेज सिंह, आरक्षक राहुल, आरक्षक सुभाष, आरक्षक अजय महेश, आरक्षक फारूक, आरक्षक संदीप का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। संभवतः ये मंदसौर जिले की अवैध मादक पदार्थ पकड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पकड़ा गया ट्रक जोधपुर राजस्थान के मनीराम का है, जिसे पकड़ने हेतु पुलिस दल रवाना हो चुका है। दानिश टुडे के लिए दलोदा से राजकुमार जैन की रिपोर्ट।